हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो देखिए, सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम्स के रिगार्डिंग जो पैटर्न मैचिंग टेबल है और पैटर्न मैचिंग ग्राफ है और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज पहले हम लोग इसकी एल्गोरिथम लिखते हैं और उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखिए, एल्गोरिथम जब इसको हम लिखना शुरू करेंगे तो जैसे हम लोगों ने जब एल्गोरिथम आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन कराया था और बताया था, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं एल्गोरिथम और उसके बाद कोई भी उसका आइडेंटिफाइंग नंबर देते हैं ताकि वो एल्गोरिथम जो है आइडेंटिफाई की जा सके। तो मान लीजिए हमने कहा कि इसे थर्ड चैप्टर की फोर्थ एल्गोरिथम है, तो हमने 3.4 दे दिया। ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पैटर्न मैचिंग, ठीक। क्या करेगी एल्गोरिथम, द पैटर्न मैचिंग टेबल, द पैटर्न मैचिंग टेबल। जिन लोगों ने पिछली दो तीन वीडियोस नहीं देखी है पैटर्न मैचिंग की, पहले वो देख लीजिए तब आप एल्गोरिथम लिखिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो द पैटर्न मैचिंग टेबल जो है आपकी एफ ऑफ क्यू वन कॉमा टी ऑफ ए पैटर्न पी इज इन मेमोरी एंड द इनपुट इज एन एंड द इनपुट इज एन n character string, n characters string t equal to हो गया आपका t1, t2, t3 और up to tn. This algorithm finds the index of p in t. ये algorithm क्या करेगी, this algorithm finds the index of p in t. ये काम ये एल्गोरिथम करेगी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्टेप 1, 2, 3, 4 करके इस तरह इसको डेवलप करते हैं। तो मान लीजिए पहला स्टेप हो गया, चाहे आप इसको स्टेप वन लिखिए चाहे हमने डायरेक्टली वन लिख दिया है। सबसे हम पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा इनिशियलाइज, ठीक है। क्या करेंगे, सेट के इक्वल टू वन एंड पहला स्टेट एस वन इक्वल टू हम क्या कर देंगे क्यू जीरो, ठीक। फिर स्टेप टू में क्या लिखेंगे, रिपीट स्टेप 3 to 5, यानी हमें रिपीट स्टेप 3 to 5 वाइल एस के क्या है, kth स्टेट इज नॉट इक्वल टू p, जब तक कि हमको p ना मिल जाए किसी भी स्टेट में, पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, जब तक, या जब तक के जो है हमारा वो छोटा है एन से, मतलब पूरी स्ट्रिंग ना सर्च हो जाए तब तक आप ये काम करिए। कौन सा काम करना है, स्टेप थ्री में हमने लिखा रीड टी के kth करेक्टर स्ट्रिंग का हम रीड करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सेट टी के प्लस वन इज इक्वल टू सेट एस के प्लस वन,
इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस के कॉमा टी के, यानी कि इससे क्या हो रहा है, यहां पे हम फाइंड्स नेक्स्ट स्टेट, फाइंड्स नेक्स्ट स्टेट, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, एंड ऑफ स्टेप टू लूप, तो यहां पे आप लिख देंगे, अच्छा ये सेट के प्लस वन इज इक्वल टू आपका हो गया एफ ऑफ एस के टी के फाइंड्स नेक्स्ट स्टेट। अब नेक्स्ट, अब फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे सेट के इज इक्वल टू के प्लस वन, यानी काउंटर को हमने अपडेट कर दिया, तो यहां हमने लिखा अपडेट काउंटर, ठीक है। एंड ऑफ स्टेप टू लूप, तो अब क्या हो गया यहां पे, एंड ऑफ स्टेप टू में जो लूप डिफाइन किया हुआ है 3 to 5, उसका उस लूप का एंड हो जाएगा, ठीक। अब छठे स्टेप पे आप चेक करेंगे कि सक्सेस, मतलब हमें पैटर्न मिला कि नहीं, तो हम यहां चेक करते हैं सक्सेसफुल, ठीक है। अगर सक्सेसफुल है, यानी हमने यहां लिखा इफ एस के इक्वल टू पी, देन, यानी कि हमें पैटर्न मिल गया, तो हमको क्या करना है, देन में इंडेक्स को लिख दीजिए आप, इंडेक्स इज इक्वल टू हो गया के माइनस लेंथ ऑफ पी, ये के की, ये हमारे पास इंडेक्स पता चल गया। एल्स, यानी अगर नहीं मिला तो हमें इंडेक्स को क्या सेट कर देना है, हमें इंडेक्स को सेट कर देना है 0, यानी वो पैटर्न नहीं मिला। फिर हम यहां लिख देंगे एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, यहां पे इफ स्ट्रक्चर को एंड कर देंगे और सेवेंथ स्टेप में एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से पैटर्न मैचिंग, सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम डेवलप की जाती है और इस तरह से ये वर्क करती है। तो जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आज जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है, उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगी, इसके पहले की जो दो वीडियो है जहाँ से हमने सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम शुरू की है, ये वीडियो उसी का, ये लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन है। तो पहले आप सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की पहली वीडियो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पैटर्न मैचिंग टेबल पढ़ाया है वो देखिए, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने पैटर्न मैचिंग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए, उसके बाद आप इस एल्गोरिथम को समझ पाएंगे, क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है इस एल्गोरिथम में, कि अगर रनिंग टाइम की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो द रनिंग टाइम ऑफ द अबव एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेप टू लूप इज एग्जीक्यूटेड। तो इसका जो रनिंग टाइम है वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो स्टेप टू में हमने लूप, ये जो हमने लिखा है, इसको आप देखिए, ये हमने कहा ना रिपीट स्टेप 3 to 5, तो ये लूप कितनी बार चल रहा है इस पर डिपेंड करेगा एल्गोरिथम की रनिंग टाइम। अब वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में ये होगा आपका कि कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि रनिंग टाइम जो है, रनिंग टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेप टू के लूप पे, ठीक। अब स्टेप टू का लूप जितनी बार रिपीट होगा उतना ज्यादा रनिंग टाइम लगेगा। अब इसमें हम वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन ऑल ऑफ द टेक्स्ट टी इज रेड, दैट इज व्हेन द लूप इज एग्जीक्यूटेड एन इक्वल टू लेंथ टी टाइम्स, यानी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितना टी की लेंथ है उतनी बार, इतने बार, ये वर्स्ट केस होगा। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट द फॉलोइंग, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम इज इक्वल टू ओ एन। तो यानी रनिंग टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेप टू के लूप पे,
और वर्स्ट केस क्या होगा कि जितने कैरेक्टर हैं सब हमने रीड कर लिए, तो यानी कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो आ गई ओ ऑफ, बिग ओ नोटेशन बात करें तो ओ एन, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखने वाली है आपको कि एक कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम इज सेट टू बी सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम इफ देयर इज एन एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन विद कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओ एन की पावर एम फॉर सम एम एंड इट इज सेट टू बी सॉल्वेबल इन लीनियर टाइम इफ देयर इज एन एल्गोरिथम सॉल्यूशन विथ कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओ एन। मतलब क्या कहने का है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम है ठीक, तो ये सॉल्वेबल होगा पॉलिनोमियल टाइम में, इफ देयर इज एन एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन विद कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन की पावर एम फॉर किस जवेयर एम में भी एनी वैल्यू, और ये प्रॉब्लम लीनियर टाइम में, तब ये पॉलिनोमियल टाइम तो ये हो गया, लीनियर टाइम में तब सॉल्व होगा जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ओ बिगो नोटेशन में ओ एन, ठीक। और वहां पे एन क्या है, एन आपको मालूम है कि साइज ऑफ द डेटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड मैचिंग अभी जो आज हमने पढ़ा, सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, ठीक है, दैट इज सॉल्वेबल इन लीनियर टाइम, क्योंकि हमारे पास इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आ रही है, यानी कि सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम जो है दैट इज सॉल्वेबल इन लीनियर टाइम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर कोई और चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो वो भी मेंशन कीजिए। कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में, कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने की पैटर्न मैचिंग पे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हैंडल कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।